सो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सब लोगों का जो सिंचन होता है वो ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है एंड वो ब्रेकफास्ट में ना तो खा रहा होता है एंड उसके डैड को आप सब लोगों को पता ही है यानी हिरोशी को ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड जो वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि ना तो बना है एंड वो सीधा मना कर देता है कि मैं ना तो नहीं खाऊंगा, मैं बोर हो चुका हूँ ना तो खा के और मैं अब से ना तो नहीं खाऊंगा। हमने उस घर में भी ना तो खाया, अब मैं यहाँ ना तो नहीं खाना चाहता। एंड देन गाइस जो सिंचन होता है वो कहता है डैड मैंने आड़ में सुना जो भी नैतो को ना कहता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, वो मर भी सकता है, मैं नहीं चाहता आपको कुछ होए। एंड देन गाइस के बाद जो हिरोशी होता है वो कहता है मेरे को कुछ भी नहीं होगा सिंचन। एंड देन गाइस जो हिरोशी होता है वो मिच्छी से पूछता है ये ब्रश कहाँ है एंड देन उसके बाद गाइस जो मिच्छी होती है उसे कहती है वो ड्रॉअर में है एंड जो हिरोशी होता है वो उस ड्रॉअर को गाइस खोल लेता है एंड आज लोगों को पता ही है उनकी ड्रॉअर से सब कुछ गाइस बाहर आ जाता है एंड वो हिरोशी के ऊपर गिर जाता है जिससे गाइस जो हिरोशी होता है उसको गाइस काफ़ी ज़्यादा चोट आती है एंड जो सिंचन होता है वो कहता है मैंने आपको ऑलरेडी कहा था डैड कि नैतो को मना मत करो, मैंने ऐड में देखा था। एंड देन गाइस उसके बाद गाइस जो हिरोशी होता है वो कहता है ये बेटा नैतो की वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारी मम्मी की गलती है। एंड देन गाइस उसके बाद जो मिच्छी होती है वो कहती है मैंने ये वाली ड्रॉअर नहीं कही थी, मैंने फर्स्ट फ्लोर वाली ड्रॉअर कही थी। एंड देन जो हिरोशी होता है वो और भी ज़्यादा एडेड हो जाता है कि उसे फालतू में ही चोट लग गई। एंड देन गाइस उसके बाद गाइस जो हिरोशी होता है वो फर्स्ट फ्लोर वाली ड्रॉअर के पास पहुँचता तो वो उस ड्रॉअर में भी काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ होता है। सो वो चिल्लाता है एंड मिच्छी को बुलाता है और मिच्छी उसके लिए भागी भागी आती है। एंड देन गाइस उसके बाद गाइस जो हमारा जो सिंचन होता है वो मेंढक जैसी बॉडी बनाकर कहता है कि डैड मैंने आपको पहले ही कह दिया था आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, सावधान रहे। एंड देन गाइस उसके बाद गाइस जो हिरोशी होता है उसकी बातों से मोटिवेट होकर उल्टा खोलने लग जाता है उसको। एंड देन गाइस वो जब उसे खोलता है तो कुछ भी नहीं गिरता, बट जैसे ही वो उस टूथब्रश का डिब्बा लेने जाता है तो गाइस सब कुछ हिरोशी के ऊपर गिर जाता है। एंड देन गाइस हिरोशी को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी होती है एंड गाइस वो गाइस लंच करने लग जाते हैं एंड हिरोशी की गर्दन में और उसके गाल पर गाइस काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव आ चुके होते हैं जिससे हिरोशी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। एंड देन गाइस हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि रात हो जाती है, वो सभी लोग सो रहे होते हैं एंड सिंचन का एक पांडा भी वो हिरोशी के मुंह पर गिर जाता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। एंड देन गाइस वो अगले दिन गाइस ऑफिस जाता है अपने एंड सिंचन उसे कह देता है हिरोशी को कि डैड प्लीज सतर्क रहना क्योंकि आपके आसपास ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे न तो आपसे बदला ले सकता है। एंड देन गाइस उसके बाद जो हिरोशी होता है वो कहता है जो भी मेरे साथ कल हुआ वो तुम्हारे मॉम की और हम दोनों की गलती थी, उसमें मैं तो का कोई भी हाथ नहीं था। एंड गाइस ऐसे ही वो उसकी इस वार्निंग्स को नज़रअंदाज करता जा रहा होता है। एंड देन गाइस उन सब लोगों को दिखाया जाता है जो मिच्छी होती है वो सारा का सारा सामान गाइस वापस से उसी ड्रॉअर में लगाने लग जाती है। एंड गाइस वो जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत सामान तो गाइस उस ड्रॉअर के अंदर लगा ही लेती है जो कि गाइस फर्स्ट फर्स्ट के उसमें आ ही जाता है। देन गाइस हिमावारी को एक प्लान गाइस खुला हुआ दिखता है उनकी छत पर, मतलब गाइस जहाँ पे वो थे तो उसके ऊपर गाइस एक छत थी तो वहाँ पर गाइस उनको एक प्लान निकला हुआ दिखता है। एंड जो हिमावारी होती है वो उस प्लान की तरफ को पॉइंट करती है एंड मिच्छी उस प्लान को हटाती है तो गाइस उसको एक काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ दिखती है कि गाइस उनकी जो छत है एंड उनके उस फ्लोर के बीच में गाइस एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है जिसको गाइस वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकती है। एंड गाइस जो मिच्छी होती है वो सब कुछ उसी जगह पर डाल देती है। एंड जो सिंचन होता है गाइस देन वो अपनी बस से गाइस घर पर आ जाता है एंड अपनी मॉम से स्नैक्स लेकर खाने लग जाता है। एंड देन गाइस हमें दिखाया जाता है कि गाइस रात हो चुकी होती है एंड जो हिरोशी होता है उसके भी अपने घर वापस लौटने का गाइस टाइम हो चुका है तो वो अपने घर वापस लौट रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि गाइस जो मिच्छी होती है वो सिंचन से कहती है कि तुम्हारे काफ़ी सारे खिलौने हो चुके हैं तो वो उसे कहती है कि मैं कल तुम्हारे थोड़े बहुत खिलौने फेंक दूंगी, तो इस डर में गाइस जो सिंचन होता है वो भी वहीं पर चढ़ जाता है जहाँ पे गाइस वो प्लैंक होता है। एंड गाइस वो वहाँ पे अपने खिलौने को छुपाने लग जाता है तभी गाइस उसको एक नैतो का एक पीस दिखता है चमचमाता हुआ। एंड गाइस वो उस नैतो के पीस की तरफ गाइस जाता है एंड गाइस उसको भी गाइस वो जो प्लैंक होता है वो थोड़ा बहुत गाइस उखड़ा हुआ सा दिखाई देता है जिससे गाइस जो सिंचन होता है वो सोचने पड़ जाता है लगता है ऊपर नैतो है तो मैं देखने जाता हूँ उससे कोई फिसल भी सकता है। सो गाइस जब सिंचन ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता एंड वो देख लेता है कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है।
एंड वो सोचने लग जाता है कि वो ननाकू दीदी के साथ इस जगह पर पार्टीज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें खेल सकता है एंड अपना फ्रेंड्स को भी बुला सकता है। एंड वेज इसको देखते हुए जो सिंचन होता है वो गज काफ़ी ज़्यादा उतावला हो जाता है एंड वेज वो जोर जोर से गज भागने लग जाता है अपने मुँह को किसी भोंपू की तरह बना के, जिससे कि गज जो छत होती है वो बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है। एंड जो हिरोशि होता है उसको भी गज वैसा ही एक अजीब सा नादो का पीस दिखाई देता है जब वो गज अपना बाथरूम से नहा के आता है, ऑफिस में गया था तो फिर वो नहाने गया था तो वहाँ पे उसे नादो का पीस दिखता है एंड वो उस नादो के पीस को उठाने जाते ही है एंड वो वहाँ से गायब हो जाता है जैसे सिंचन के साथ हुआ था। एंड वो जो छत होती है गाइज वो उखड़ जाती है एंड सिंचन हिरोशि के ऊपर गाइज गिर जाता है। एंड गाइज यहीं पे गाइज जो हमारे जो हिरोशि होता है वो समझ जाता है कि इस नादो में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो नैप ही कर रहा है। एंड वही जो हिरोशि होता है वो गाइस मरते मरते बचता है एंड उसके पीठ पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी होती है। एंड देन गाइस इन सभी को दिखाया जाता है कि जो हिरोशि है गाइस वो उठ जाता है एंड वो देखता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। एंड देन गाइस जब वो बाहर जाता है तो फिर वो देखता है कि नया तो बना है एंड वो चुपचाप उस नया तो वो खा लेता है क्योंकि वो अपने सपने से अभी भी डरा हुआ होता है कि उसके साथ असलियत में ऐसा ना हो जाए। एंड ये एपिसोड।